यहाँ पे क्वेश्चन है जहाँ पे हमें नंबर ऑफ शील्ड्स निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर ऑफ शील्ड्स निकालनी है, ये हीट एंड मास ट्रांसफर का एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो बार बार आ जाता है और इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन करेंगे और हम लोग सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। सो लेट्स डू इट। टू लॉन्ग पैरेलल सर्फेसिस ईच ऑफ एमिसिविटी 0.7 आर मेंशनड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड अकॉर्डिंगली हैव रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन देम। इट इज डिजायर्ड टू रिड्यूस द रेडिएंट हीट ट्रांसफर बाय 50% बाय इंसर्टिंग पैरेलल शील्ड ऑफ इक्वल एमिसिविटी ऑन बोथ साइड्स द नंबर ऑफ शील्ड्स रिक्वायर्ड। सो इसका मेन जो समरी है कहने का, यहाँ पे 50% हमें रेडिएंट हीट ट्रांसफर को रोकना है तो नंबर ऑफ शील्ड्स पता करना है हमें, ठीक है। तो लेट्स डू अ वेरी सिंपल एंड इजी मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, उसके लिए एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है। परसेंट रिडक्शन इज इक्वल्स टू 1 - 1/n+1 वेयर एन इज द नंबर ऑफ शील्ड, वेयर एन इज द नंबर ऑफ शील्ड। परसेंट रिडक्शन इज इक्वल्स टू 1 - 1/n+1। तो सिंपल, इसने यहाँ पे 50% हीट ट्रांसफर रिड्यूस करने के लिए बोला है, तो 50% इज इक्वल्स टू 1 - 1/n+1। 50% हो जाएगा 0.5 या हाफ 1 - n+1। इसको इधर ले जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे यहाँ पे, तो n इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यानी फॉर 50% वी ओनली नीड 1 शील्ड। सो इससे आप इसका रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर ऑफ शील्ड दिया है और परसेंटेज रिडक्शन निकालना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। n इज इक्वल्स टू 3 दिया है तो कितना परसेंट रिडक्शन हुआ, n इज इक्वल्स टू 3 तो 1 1/3 + 1 1/4 और 1 - 1/4 3/4, इट मीन्स 3/4 हमारे पास बचा। और 3/4 क्या होता है, 75% रिडक्शन हुआ इन केस। सो उस केस में 3/4 के केस में 75% रिडक्शन हुआ। तो दोनों ही तरीके से इस मेथड को यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हीट एंड मास ट्रांसफर में रेडिएशन में हम लोग सिंपल ये फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ शील्ड्स क्या है, या फिर नंबर ऑफ शील्ड्स या परसेंटेज रिडक्शन इन रेडिएंट हीट ट्रांसफर कितना हुआ, ये भी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।